थोड़ी भैया नीचे कर लीजिए। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इस प्रदेश की बात करूं कि इस प्रदेश में विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आपने देखा पूरे 5 साल में, अब इस समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रही है। वो केवल हिंदू पाकिस्तान, हाँ, जिन्ना पाकिस्तान करके सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो रही बात मड़ियाहों की, मड़ियाहों में मैं लगातार जनता के बीच में उनके सुख दुख में रही हूँ। तो चाहे मुगरा रहा हो, चाहे मड़ियाहों रहा हो, जो समस्याएं क्षेत्र की रही हूँ, मैंने सड़क से लेकर सदन तक उसको उठाया है और उसका समाधान करने का प्रयास भी किया है। आपने बसपा छोड़ के जो है सपा का दामन थाम किया, सपा ने आपको प्रत्याशी बनाया मड़ियाहों से, आप समर्थन कैसा है जनता की जा रही है? देखिए, जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप मुझे जनता का जो प्रेम उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जनता भारी मतों से 7 मार्च को अपने वोट के माध्यम से मुझे वहाँ का जनप्रतिनिधि चुनेगी। और आप अपनी लड़ाई किससे समझती हैं? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं अपने मुद्दों के आधार पर, मैं अपने जो हमारी अपनी बातों को लेके मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। जनता मेरी विचारों से, मेरी बातों से सहमत होगी, मुझ पर भरोसा दिखाएगी।